तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं खेसारी लाल जी का एकदम सुपरहिट लाजवाब गीत इश्क नचावे यार दीवाना नाचेला। तो आप अगर इस लाजवाब गाने को अपने कीबोर्ड पर सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इस गाने को अपने कीबोर्ड के ऊपर। तो दोस्तों गाना स्टार्ट होने से पहले इसमें एक म्यूजिक पार्ट है, तो पहले हम उस म्यूजिक पार्ट को सीखेंगे फिर उसके बाद हम गाने की तरफ बढ़ेंगे। म्यूजिक पार्ट किस प्रकार से है, तो कुछ इस प्रकार से म्यूजिक पार्ट का पैटर्न है। सोलो में करके समझते हैं स्टेप बाय स्टेप करके किस तरीके से बजाना है। तो तीसरी काली बटन मतलब कि एफ शार्प नोट से स्टार्टिंग करेंगे इस वाले बटन से, तो किस तरीके से बजाना है ध्यान से समझिए। थोड़ा फास्ट में म्यूजिक है तो आप इसे फास्ट बजाने की कोशिश करिएगा, तो किस तरीके से। इस म्यूजिक में हमें बटनों का थोड़ा थोड़ा बिलिंग करना है, अगर हम उसे सोलो में सीखेंगे तो बिलिंग करते हुए नहीं बनेगा, अगर थोड़ा फास्ट बजाएंगे तो बिलिंग एकदम आसानी के साथ हो जाएगा। अगर आप बिलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको सिंपल तरीके से भी बजा सकते हैं। किस प्रकार से, अगर हम इसे सिंपल से बजाएंगे तो फिर इसके बाद जो अगला पार्ट है वो किस तरीके से म्यूजिक का, किस तरीके से बजाना है दूसरे पार्ट को सीखते हैं एकदम सोलो में। एक बार दोनों पार्टों को मिलाकर सीख लेते हैं। तो दोस्तों म्यूजिक पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है इंट्रो वाला, तो अब इस गाने के अस्थाई पार्ट चालू हो जाएंगे। तो अस्थाई पार्ट किस तरीके से है एक बार मैं आपको बजा कर दिखाता हूँ सोलो में, फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें थोड़ी सी हाफ लाइन प्ले करनी है इसी पार्ट के ऊपर, मतलब यही पैटर्न चलेगा बस थोड़ा हाफ प्ले करेंगे शुरू में फिर उसके बाद पूरी लाइन बजाना, तो किस तरीके से। किस तरीके से बजाना है, फिर उसके बाद तो सोलो में करके समझते हैं किस तरीके से ये वाला पैटर्न बजाना है। तो ये हमारे मुखड़े का पहला पैटर्न है, तो सोलो में इसको समझते हैं। इसके बाद मुखड़े में दो और पैटर्न प्ले होंगे, तो टोटल इस गाने के मुखड़े में तीन पैटर्न हैं और अंतर मिलाकर टोटल चार पैटर्न इस गाने में पूरे हमें सीखने हैं, उसके बाद हमारा पूरा गाना तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले वाले पैटर्न को सीखते हैं, तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया मुखड़े का। अब सेकंड पार्ट को हम सीखते हैं किस तरीके से उसका पैटर्न चलेगा। Thank you.
किस प्रकार से इस पैटर्न को बजाना है सुर में करके समझते हैं। पहले इतना सीखते हैं किस तरीके से बजाना है, तो सुर में करके इस वाले पैटर्न को सीखते हैं। दूसरी लाइन से हम इसी पैटर्न के ऊपर, फिर इसके बाद किस तरीके से बजाना है इस वाली लाइन को हम सीखते हैं। फिर किस प्रकार से बजाना है एक बार और हम इसे सीखते हैं इस वाले पैटर्न को पूरा मिलाकर। अभी हमने जो उसको पार्ट बाय पार्ट करके सीखा है थोड़ा थोड़ा, अब हम पूरे को जोड़ लेंगे ताकि अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाए। तो सेकंड वाला पैटर्न हम सीखते हैं मुखड़े पार्ट का किस तरीके से बजाना है। तो दूसरा वाला पैटर्न भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब मुखड़े पार्ट के लास्ट वाले पैटर्न को सीखते हैं किस तरीके से बजाना है। तो दो बार सेम पैटर्न प्ले होगा, बस उसके लिरिक्स बदलेंगे और जो पैटर्न है वो एक ही रहेगा। तो किस प्रकार से बजाना है सुर में करके सीखते हैं एक फिंगर से। किस तरीके से बजाएंगे, एक बार और सीखते हैं। फिर इसके बाद फिर इसमें थोड़ी सी वेरिएशन ऐड होगी। तो किस प्रकार से इस वाले पैटर्न को बजाना है सुर में करके सीखते हैं। फिर इसके बाद सेम ही पैटर्न वेरिएशन के साथ, तो दोस्तों यहीं पर हमारा मुखड़ा पार्ट जो है पूरा कंप्लीट अब हो जाता है। तो अब इस गाने का अंतरा चालू हो जाएगा। तो अंतरा की जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पर हाई ऑक्टेव के सी शार्प नोट पहली काली बटन सात सुर से होगी। तो किस प्रकार से अंतरा है मैं आपको एक बार सुर में बजाकर दिखाता हूँ अंतरा।
किस प्रकार से बजाना है, सोल में करके अंतरे वाले पैटर्न को सीखते हैं। पहले इतना सीखेंगे किस प्रकार से बजाना है। फिर किस तरीके से बजाना है इस वाले पैटर्न को सीखते हैं। फिर उसके बाद इसमें एक छोटा सा म्यूजिक पार्ट ऐड होगा, तो म्यूजिक पार्ट किस तरीके से है। सुर में करके म्यूजिक पार्ट को समझते हैं। एक बार और, और फिर से वही लाइन प्ले हो जाएगी जैसे अभी हमने सीखा। अब इसके आगे का हम अगला पैटर्न सीखते हैं किस प्रकार से बजाना है। किस प्रकार से ये वाला पैटर्न है सुर में करके समझते हैं। तो अंतरे के ठीक बाद वही दूसरे वाला पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा मुखड़े पार्ट में जैसे हमने सीखा था। तो गाना अब हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, तो अब एक बार हम पूरे अंतरे को और मिलाकर सीखेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से पूरा अंतरा बजाना समझ में आ जाए। तो चलिए फटाफट करके हम अंतरे को सीखते हैं किस प्रकार से अंतरा प्ले करना है। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि वीडियो के माध्यम से आपको कोई भी हेल्प मिली होगी इस गाने को बजाने के लिए। अगर वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप इस गाने को अपने कीबोर्ड के ऊपर अच्छी तरीके से बजाते रहें, गाते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।